गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज अपना सेवेंथ डे है और हम आज सेवेंथ चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो सेवेंथ चैप्टर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। अब ये क्या है? सो इसके पहले तक हमने क्या पढ़ा? तो चैप्टर नंबर सिक्स तक के हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हमने देखे चैप्टर नंबर सिक्स तक। चैप्टर नंबर सेवन जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों क्या होते हैं, कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इनके ऊपर हमको आज डिस्कशन करना है। बोथ आर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर में रखे गए हैं, बट दोनों ही एकदम ही अलग चीज है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि डिपेंड होता है ऑन सर्टन इवेंट। अगर वो इवेंट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, और अगर इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है। तो किसी एक इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। जनरली हम यहाँ पे एक शिप का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि ए बी को वादा करता है कि मैं तुमको गुड्स ला के दूंगा, और बी बोलता है मैं तुमको पैसे दूंगा, यानी देयर इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसी एक घटना के घटित होने पे। अगर वो घटना घटित होगी, जैसे कि एक पर्टिकुलर शिप है, अगर ये शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। सो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना पड़ेगा? ओनली इन द इवेंट व्हेन द शिप रिटर्न्स, जब शिप वापस आती है तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अगर शिप नहीं आती है तो क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? तो नहीं, ये हम एक एक करके अभी देखेंगे। सो यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरी तरह से वैलिड है, बट सिर्फ फर्क यह है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट, किसी एक घटना के घटित होने पे ये डिपेंड कर रहा है, एक इवेंट है। यहां से आप देख सकते हैं इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं है, ये प्रोमिसेस का हिस्सा नहीं है, यहां पे इवेंट नहीं हो रहा है। इवेंट इज अ सेपरेट इवेंट, इट इज कोलैटरल, इट इज इंसिडेंशियल, ये जुड़ा हुआ है, साथ साथ चल रहा है, बट इट इज अ सेपरेट इवेंट। सो ये जो इवेंट है ये प्रॉमिस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग होना चाहिए। सो इट इज अ कोलैटरल इवेंट। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो अनसर्टनिटी आ ही नहीं सकती, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से सर्टन है। ए गुड्स दे रहा है, बी पैसे दे रहा है, इसमें सब चीजें मौजूद है, हर एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, सिर्फ डिपेंड कर रहा है एक इवेंट पे जो कि अनसर्टन है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज कंटिंजेंट, व्हाट इज अनसर्टन इज द कोलैटरल इवेंट। सो हम इसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है विच मे हैपन और मे नॉट हैपन। सो वैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट बोलने के बदले इवेंट को कंटिंजेंट बोल सकते हैं। सो अगर वो इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, एज द केस में भी। कभी अपोजिट भी हो सकता है, इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, अगर शिप नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, बट शिप आ गई तो परफॉर्म नहीं करना है। सो ऐसे अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, या किसी के डिसीजन पे, ये सब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, जो कि डिपेंड हो रहे हैं किसी और इवेंट पे या एक्टिविटी पे, दूसरे किसी चीज पे निर्भर होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, समझो एक मैच होने वाली है जो कि शायद नागपुर में हो, शायद नागपुर के बाहर हो, ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि नागपुर में होगी या नहीं होगी, बट ऐसा चांसेस है कि नागपुर में मैच होने वाली है। अब मैं वहां पे जाके चिप्स वगैरह बेचना चाहता हूँ, तो मैं हल्दीराम वाले से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, हल्दीराम वालों को बोलता हूँ कि भैया मेरे को चिप्स के पैकेट चाहिए 5000 पैकेट, लेकिन ये जो पैकेट है ये मैं तब खरीदूंगा आपसे अगर नागपुर में मैच होगी तो। सो मैं यहाँ चिप्स खरीदूंगा और पैसे दूंगा, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट।
अगर नागपुर में मैच होगी तो मुझे ये करना है, नहीं होगी तो मुझे ये नहीं करना है। सो ये भी एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कर रहे हैं भारत में सॉरी नागपुर में मैच होने के ऊपर, ठीक है। सो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है किसी अन्य इवेंट पे, उसको हम बोलते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखने वाली बात यह कि जो कंटिजेंट इवेंट है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, इट इज नॉट द परफॉर्मेंस गारंटीड और प्रॉमिस। जैसे अगर मकान जल जाएगा तो पैसे मिलेंगे, ये भी एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम दिया गया और एक वादा मिलता है कि अगर मकान को आग लग जाएगी तो पैसे मिलेंगे। यहाँ पे क्या आग लग जाना इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? द आंसर इज नो, आग लग जाना इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। आग लगना इज अ सेपरेट इवेंट, अगर वो होगा तो फिर पैसे मिलेंगे। सो आग लग जाने पे पैसे मिलेंगे, ये भी एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इवन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें मैंने गारंटी दिया था कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके पैसे नहीं देने पे डिपेंड कर रहा है। सो इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन एन एक्टिविटी और एन और अ डिसीजन, किसी एक डिसीजन पे भी डिपेंड कर सकता है। फिर अगर ये पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस है तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ये बोलता है कि मैं तुमको स्विमिंग पूल बना के दूंगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है मैं तुमको स्विमिंग पूल बना के दूंगा और तुम मुझे पेमेंट करना पार्ट पार्ट में। सो पार्ट में पेमेंट करेगा, ये पूल बनाएगा और ये इसको पार्ट में पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि पूल बना दोगे तो मैं पैसा दूंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। पूल बनाना ये परफॉर्मेंस का हिस्सा है। इन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, इट शुड बी अ सेपरेट इवेंट। ये अलग इवेंट होना चाहिए, अलग घटना होना चाहिए। अगर वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इट इज कंपलसरी कि इट शुड बी अ सेपरेट इवेंट, ठीक है, नहीं तो ये एक नॉर्मल मोड ऑफ परफॉर्मेंस में कवर हो जाएगा। फिर अगर मैंने ऐसा बोल के रखा था अपने स्टाफ को कि जाओ कंप्यूटर्स देख के आओ, अपने ऑफिस के लिए अपने को कंप्यूटर चाहिए, मेरा स्टाफ जाता है कंप्यूटर्स देखता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि अगर हमारे शशांक सर अप्रूव करेंगे तभी हम इस कंप्यूटर को खरीदेंगे। अब ये क्या है? ये भी एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान रखो, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मेरे डिसीजन पे होना चाहिए। मैं जाके चेक करूंगा क्या ये हमारे काम का है, अगर हमारे काम का है तो मैं खरीदूंगा, नहीं है तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। सो ऐसे केसेस में इट इज ऑल्सो अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जहां पे एक गन कैरेज फैक्ट्री में बोला जाता है कि हम गन खरीदना चाहते हैं, गन के लिए हम टिम्बर खरीदना चाहते हैं, लकड़ी खरीदना चाहते हैं, बट वो लकड़ी हम तब खरीदेंगे जब हमारा जो सुपरिटेंडेंट है वो अप्रूव करेगा कि हाँ ये फैक्ट्री के लिए, ये अपने गन बनाने के लिए परफेक्ट वुड है। अगर वो बोलेगा तभी हम खरीदेंगे, दिस इज ऑल्सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कल चल के मना कर देता है कि ये लकड़ी अपने कोई काम की नहीं है, तो ऐसे केसेस में इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखे थे कॉन्ट्रैक्ट कब कब वॉइड हो जाता है, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि वॉइड हो जाता है अगर वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था और वो इवेंट नहीं होता है। तो आप एक बार जाके फिर से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 तो आपको ये देखने को मिलेगा। एसेंशियल्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल से पॉइंट्स है वही कि परफॉर्मेंस किसी एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, इट शुड बी इंसिडेंशियल, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, अगर इवेंट का होना तय है तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, मेरी इच्छा पे अगर डिपेंड कर रहा है तो इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंपल और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर देखता हूँ एक टीवी मेरे को पसंद आता है, मैं बोलता हूँ कि यार मेरी इच्छा होगी तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, क्या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो, मेरी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। बट मैं बोलता हूँ कि मेरे को पसंद है टीवी, अगर मेरा इंजीनियर अप्रूव करेगा तो मैं खरीदूंगा, वो मना कर देगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। सो दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो मेरे विल पे डिपेंड कर रहा है या मेरे किसी ऐसे व्यक्ति के विल पे डिपेंड कर रहा है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर ये एक्चुअल में किसी और के डिसीजन पे या मेरे भी डिसीजन पे चेक करने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कुछ टेस्ट के ऊपर, कुछ चेकिंग के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस किस प्रकार के होते हैं इसको हम जानने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के हिसाब से अपन समझेंगे पूरे पॉइंट्स को, साथ साथ चलना है आपको, टाइम उतना नहीं है कि आप रुके रहें। तो जैसा जैसा मैं बना रहा हूं, अगर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है तो आप बना सकते हैं।
अगर आप रिवीजन करने आए हैं तो फिर आपके पास ऑलरेडी डायग्राम्स बने हुए होंगे। सो पहले किस टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे टाइप का वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एग्जांपल देखेंगे हम। फिर कब ये एनफोर्सिएबल हो जाएगा, और कब ये वॉइड हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पहला प्रकार जो है डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपन। सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ए वादा करता है बी को कि मैं तुमको गुड्स दूंगा, बी बोलता है मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन ये लोग डिपेंड कर रहे हैं एक शिप के आने के ऊपर। ये शिप आएगी तो गुड्स दिए जाएंगे, तो शिप के आने के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट है, शिप आएगी तो गुड्स दिए जाएंगे, तो कब गुड्स देना है, तो व्हेन द शिप रिटर्न्स, जब शिप आ जाएगी तब गुड्स दिए जाएंगे। तो यहां पे सिंपल पॉइंट है, जब शिप आ जाएगी तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, एनफोर्सिएबल हो रहा। देखो ये वैलिड तो पहले से ही है, इट इज नॉट वॉइड एग्रीमेंट, ये वैलिड पहले से है, सिर्फ ये पूरा नहीं करना है जब तक वो घटना घटित नहीं होती। जैसे ही शिप आ जाएगी तो फिर अब ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वॉइड कब हो जाएगा, जब शिप नहीं आएगी तब वॉइड हो जाएगा, द आंसर इज नो, शिप नहीं आएगी तो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे टाइम का तो एलिमेंट डाला ही नहीं, हमने ये थोड़ी बोला कब तक के शिप आना चाहिए। तो शिप आज नहीं आई तो कल भी आ सकती है, परसों आ सकती है, और इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि आज शिप नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ये वॉइड नहीं होता। वॉइड कब होगा, जब ये पक्का हो जाए कि अब शिप कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम बोल रहे थे शिप आएगी तो पैसे दिए जाएंगे, गुड्स दिए जाएंगे। ध्यान रखो एक पॉइंट और बताता हूं, यहाँ पे कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा कि पैसे दिए जाएंगे, आप अपने आप मान लोगे पैसे देंगे और गुड्स लेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन स्पेसिफिकली बोलती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी अ कंसिडरेशन बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है। सो हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जब वो हैपन हो जाएगा, जब इवेंट हो जाएगा, घटना घटित होगी, शिप रिटर्न आ जाएगी, तो ऐसे केसेस में आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। पर क्या ये वॉइड हो जाएगा अगर शिप नहीं आती, तो नहीं, ये वॉइड नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर आज बोल दिया कि ये वॉइड हो गया, शिप नहीं आई और वॉइड हो गया, लेकिन कल आ गई तो कल तो फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज वॉइड हो गया है, तो कल अगर आ गई तो कल भी पूरा करना पड़ सकता है, कल नहीं आई 10 दिन बाद आई तो 10 दिन बाद पूरा करना पड़ सकता है। सो ये वॉइड नहीं होता, ये चालू रहेगा जब तक के शिप आती नहीं या जब तक के शिप खत्म नहीं हो जाती। सो दो ही इवेंट हो सकते हैं, या तो शिप आएगी या तो शिप खत्म हो जाएगी। अगर नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट चालू है, ठीक है। तो शिप के नहीं आने पे ये खत्म नहीं होता, ये खत्म हो जाता है व्हेन द शिप सिंक्स या शिप डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी प्रकार से। तो अगर शिप डूब जाती है तो ऐसे केसेस में इट बिकम्स वॉइड, ठीक है। बट अगर शिप नहीं आती है तो ये वॉइड नहीं होता, इट इज स्टिल वैलिड बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल येट, ये पूरा नहीं करना है आपको, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जो डिपेंड होता है ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, तो नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, ए को कुछ गुड्स प्रोवाइड करना था किसी अन्य व्यक्ति को, बट उसके पास पैसा नहीं है। सो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, पैसा नहीं, गुड्स नहीं है, मैंने पैसा बोला, गुड्स नहीं है, समझो गुड्स नहीं है बट गुड्स की जरूरत है। अब इसके गुड्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर शिप पे, लेकिन अगर शिप नहीं आई तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। इसीलिए ये लोग एग्री करते हैं, अगर शिप नहीं आई तो तुम मुझसे गुड्स ले जाना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मेरे गुड्स कोई शिप पे आ रहे हैं, अब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है आगे, लेकिन मेरे पास गुड्स है ही नहीं जो शिप पे फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं, सर आप बड़े परेशान लग रहे हैं, मैं बोलता हूँ हाँ यार वो मेरी शिप अटकी हुई है, अगर वो नहीं आई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करूंगा। सो आप बोलते हैं क्या सर आप टेंशन लेते हैं, एक काम करो अगर आपकी शिप नहीं आई तो मुझसे गुड्स ले लेना। सो यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं तुमको गुड्स दूंगा अगर तुम्हारी शिप नहीं आती है, तो अगर वो पर्टिकुलर शिप नहीं आएगी तो गुड्स ले जाना। ऐसे केसेस में अगेन इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कब इसको एनफोर्स करना पड़ेगा। सो ये एनफोर्सिएबल हो जाएगा जब शिप नहीं आएगी, ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो शिप के नहीं आने पे एनफोर्सिएबल नहीं है, क्योंकि अगेन टाइम का कोई एलिमेंट नहीं डाला गया है, कब तक के शिप नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं बोला है, और इसीलिए अगर आज शिप नहीं आई
तो यहां कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि कल आ गई तो फिर तो ये अवॉइड हो जाना चाहिए था। तो शिप नहीं आने पे अगर हम डिपेंड कर रहे हैं तो ये तब तक पूरा नहीं किया जाता जब तक के इट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल। तो अगर ये इम्पॉसिबल हो गया तब ये पूरा करना पड़ेगा। दैट इज अगर शिप सिंक हो जाती है, डूब जाती है, नेस्तनाबूत हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। और कब ये वॉइड हो जाएगा? अगर शिप आ गई, क्योंकि हमने बोला था अगर शिप नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, और शिप आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स वॉइड। देन द थर्ड टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, तीसरा प्रकार, जो फिर से हैपनिंग पे तो डिपेंड कर रहा है लेकिन विद इन अ फिक्स टाइम, एक टाइम बता दिया है उस वक्त के अंदर अगर शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, अगर उस वक्त के अंदर शिप नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे, वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं पहले। तो यहाँ पे भी ए वादा करता है बी को कि मैं तुमको कुछ दूंगा, और बी वादा करता है मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है एक शिप के आने के ऊपर, और आने के ऊपर विद इन समझो 7 days, 7 दिन के अंदर अगर शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। सो कब परफॉर्म करना पड़ेगा? अगर शिप आ जाती है विद इन 7 days, 7 दिन में अगर शिप आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। और कब ये वॉइड हो जाएगा? पहला पॉइंट तो सेम है कि अगर शिप सिंक हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, शिप डूब गई, क्योंकि हमने बोला था शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। शिप डूब चुकी है, 5 दिन में ही डूब गई, 7 दिन हुए नहीं, बट शिप डूब चुकी है, तो ऐसे केसेस में अब कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। दूसरा केस, जब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जब शिप जो जब टाइम जो है वो इलैप्स हो गया, शिप आई नहीं और टाइम इलैप्स हो गया, तो वक्त बीत गया बट शिप नहीं आई। हमने बोला था 7 दिन में शिप आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, 7 दिन हो गए शिप नहीं आई, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। सो ये दो केस में वॉइड हो जाता है। पहला केस तो सेम है जो ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि शिप अगर डूब जाती है, निस्तनाबूत हो जाती है, फना हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। दूसरा केस, जब वक्त बीत गया तब भी ये वॉइड हो जाता है। पहले वाले केस में यहाँ पे वक्त बीतने पर वॉइड इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वक्त की तो बात ही नहीं हुई थी, अगर वक्त की बात होती तो फिर यहाँ पे भी वॉइड हो जाता, लेकिन वक्त की बात नहीं हुई थी कि शिप कब तक आना चाहिए, तो शिप अगर आज नहीं आई तो भी ये वॉइड नहीं होता क्योंकि कल आ सकती है, परसों आ सकती है, बट यहाँ पे टाइम इलैप्स हो गया और शिप नहीं आई, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि शिप आती तब गुड्स देना था, अब शिप नहीं आएगी या नहीं आई तो ऐसे केस में गुड्स नहीं देना है। अगेन अगला, फिर से डिपेंडिंग ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, सिर्फ हम टाइम का एलिमेंट डाल दे रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। अगेन सेम एग्जांपल, ए ने बी को बोला मैं तुमको गुड्स दूंगा, बी ने ए को बोला मैं तुमको पैसे दूंगा, और यहाँ पे ये लोग डिपेंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर शिप के नहीं आने पे। अगर ये शिप नहीं आएगी विद इन 7 days तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। सो ये कब पूरा करना पड़ेगा? अगर शिप नहीं आती और 7 दिन बीत जाते हैं, यानी पहला जब टाइम इलैप्स हो जाता है तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला था अगर 7 दिन में शिप नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। सो 7 दिन बीत गए और शिप नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, या 7 दिन तो नहीं बीते बट शिप डूब गई, तो ऐसे केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। और ये वॉइड कब हो जाएगा? व्हेन द शिप रिटर्न्स विद इन 7 days। So it will become void, ठीक है? So ऐसा है। So ऐसे करके 4 ये main प्रकार के contingent contract हो सकते हैं, और भी 2 चीजें हैं, वो भी बताता हूं। कभी कभी हम depend करते हैं किसी और event पे, किसी और व्यक्ति के particular way में act करने पे। जैसे कि समझो Mr. A को एक car बेचना था to Mr. B, Mr. B खरीदना चाहते हैं, इन लोग कार डिसाइड करते हैं बेचना है खरीदना है, लेकिन इनको प्राइस क्या रखना है ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये जो कार है एक यूनिक कार है जिसका प्राइस क्या होगा ये इन लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं अपन जाएंगे एक मैकेनिक के पास, एक पहचान का उनका मैकेनिक है, उस मैकेनिक के पास जाएंगे बबलू भाई के पास,
और बबलू भाई जो बोलेगा उस रेट पे अपन ये कार की डीलिंग करेंगे। दिस इज ऑल्सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है इट इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, हाउ ही विल एक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक वक्त पे वो कैसे एक्ट करेगा, क्या वो ऐसा बताएगा कि हाँ इसके वैल्यू 5 लाख रुपए होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 6 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर वो बता देता है तो प्राइस विल बी फिक्स हो जाएगा और देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड एट सच प्राइस। ठीक है, तो अगर बबलू भाई ने इसको फिक्स कर दिया कि इसकी तो 5 लाख रुपए की वैल्यू होनी चाहिए तो 5 लाख रुपए में इसको फिर पूरा करना पड़ेगा। वही समझो बबलू भाई बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसकी वैल्यू फिक्स नहीं कर सकता, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। या वो इनकेपेबल हो गया है, वो समझो भारत में है ही नहीं, भारत के बाहर चला गया, जब तक वो बेचारा कार नहीं देखेगा तो वो कैसे क्या फिक्स कर सकता है वैल्यू। तो जब तक कि वो चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तब तक वो वैल्यू फिक्स नहीं कर सकता, एंड हेंस इन सच केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। ठीक है, सो ये एक और प्रकार का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एक और ऐसा प्रकार का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इम्पॉसिबल रहेगा शुरू से। जैसे समझो मैं आपको बोलता हूं मैं दिवाली के दिन आप सबको डिनर पे लेके जाऊंगा, दिवाली के दिन जब शाम को चांद पूरा होगा फलक पे तो मैं आप सबको डिनर पे लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे दिवाली के दिन चांद आ ही नहीं सकता क्योंकि दिवाली के दिन अमावस्या होती है। अब मैं एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड कर रहा हूँ विच इज इम्पॉसिबल, दिवाली को चांद नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में अगर दिवाली के दिन मैं चांद आने की बात कर रहा हूं तो दैट इज इम्पॉसिबल, एंड हेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट जो चीज होगी दैट विल ऑल्सो बी इम्पॉसिबल। ठीक है, सो ये अगला जो प्रकार है विच इज डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट दैट विल अगेन बी वॉइड एब इनिशियो, ये तो वॉइड ही रहेगा शुरुआत से। ठीक है, सो ये अलग अलग प्रकार के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार आप रीड करेंगे। पहला है डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, ये तब एनफोर्सेबल हो जाएगा व्हेन द इवेंट हैपेंस और ये तब वॉइड हो जाएगा व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। फिर दूसरा है नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, ये तब एनफोर्सेबल हो जाएगा व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल और तब ये वॉइड हो जाएगा व्हेन द इवेंट हैपेंस। फिर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, ये तब एनफोर्सेबल हो जाएगा जब विद इन दैट फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट इवेंट हो जाता है तो ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। ये तब वॉइड हो जाएगा जब टाइम बीत गया, तब जो भी फिक्स टाइम था वो निकल गया तो ये वॉइड हो जाएगा। या फिर टाइम तो नहीं बीता बट जो इवेंट था वो अब इम्पॉसिबल हो गया, जैसे कि शिप डूब गई, तो ऐसे केस में इट विल बिकम वॉइड। फिर फोर्थ पॉइंट डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जो किसी चीज के नहीं होने पे डिपेंड कर रहा है विद इन अ फिक्स टाइम, तो ऐसे केस में दैट विल बिकम एनफोर्सेबल इफ द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, यानी टाइम इलैप्स हो गया और इवेंट नहीं हुआ तो ऐसे केस में एनफोर्सेबल। दूसरा व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे भी एनफोर्सेबल हो जाएगा और इट विल बिकम वॉइड व्हेन द इवेंट हैपेंस विद इन द फिक्स टाइम। और ये वो बबलू भाई वाला एग्जांपल जिसमें कार की वैल्यू फिक्स करने की बात कर रहे हैं कि ये कार बेचना है खरीदना है लेकिन इसका प्राइस जो बबलू भाई फिक्स करेंगे उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, तो ऐसे केसेस में इट विल अगेन बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो पर्टिकुलर वे में एक्ट कर देता है, वो कार की वैल्यू फिक्स कर देता है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। अगर वो कार की वैल्यू फिक्स करने से मना कर देता है या ही इज इनकेपेबल टू फिक्स द वैल्यू तो ऐसे केसेस में इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर मैं आपको ऐसे इवेंट पे डिपेंड करा रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इवेंट पे डिपेंड हो रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, तो अगर वो इवेंट ही नहीं हो सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा और इसीलिए ये शुरुआत से ही वॉइड है, इट इज वॉइड एब इनिशियो। सो इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। कंटिंजेंट और वेजरिंग के बीच का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, दोनों में फर्क है, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा दोनों तो एक ही जैसे हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट तो एक ही प्रकार की चीज है, बट द आंसर इज नो, दोनों अलग चीजें हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में कुछ परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल से आपका पूरा ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का और वेजरिंग एग्रीमेंट का डिफरेंस है ये क्लियर हो जाता है। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम समझो टॉस कर रहे हैं और टॉस करके हम बोल रहे हैं अगर हेड्स आएगा तो मैं बैटिंग करने जाऊंगा, टेल्स आएगा तो आप बैटिंग करने जाओगे। सो ये क्या है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एक इवेंट पे डिपेंड हो रहा है लेकिन इवेंट के बाद कुछ परफॉर्म करना है, सो परफॉर्मेंस की बात हो रही है। दूसरा एग्जांपल वेजरिंग का, हम वेजरिंग में क्या करते हैं, सीधा सीधा हेड्स और टेल्स पे ही पैसा लगा देते हैं। हेड्स आया तो मैं जीता, टेल्स आया तो आप जीते, कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है, सिर्फ हम सट्टा लगा रहे हैं कॉइन को टॉस करने पे। तो कॉइन टॉस करेंगे
और हम लोग उसके ऊपर अगर सट्टा लगा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट, कि अगर हेड्स आ गया तो मैं जीता, टेल्स आया तो आप जीते, दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। बट अगर हेड्स आया तो मैं पहले परफॉर्म करने जाऊंगा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा, टेल्स आया तो आप क्रिकेट खेलने जाओगे, पहले बैटिंग करने जाओगे। सो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद कुछ परफॉर्मेंस की बात होती है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन द एग्रीमेंट, आपको सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान के जीतने पे पैसा लगाया है तो आप यही चाहोगे कि पाकिस्तान जीते, भले ही आप भारत में रहते हैं तो भी आप भारत के बदले में पाकिस्तान की जीत के ऊपर सट्टा लगा रहे हैं, आप वो जीते, पाकिस्तान जीते ये चाहोगे। लेकिन अगर आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, उसमें एक्चुअली मुझे गुड्स चाहिए इसीलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ सट्टेबाजी के नेचर का नहीं है। फिर वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं, हर एक वेजरिंग एग्रीमेंट कंटिंजेंट नेचर का होता है, लेकिन हर एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ ये है डिफरेंसेस है जो आप एक बार रीड कर लेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिमिलर टू, कॉन्ट्रैक्ट जैसा, क्वासी का मतलब होता है सिमिलर टू। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा था और इसीलिए इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया। सो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड बाय लॉ, कानून जबरदस्ती इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, भले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे चीज नहीं थी, यहाँ पे हो सकता है ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, कंसिडरेशन नहीं डिसाइड हुआ था, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाया गया, इसीलिए इसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। पहले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो इसको हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और ये इम्प्लाइड कैसा होता है, ये इम्प्लाइड बाय लॉ है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज इम्प्लाइड बाय लॉ। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इम्प्लाइड बाय लॉ है, कानून ने इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया है। क्यों लाया है? ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का क्या मतलब है? अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है दूसरे के नुकसान पे फायदा कमा लेना। बेस्ट एग्जाम्पल हम उठाते हैं पहले तो कुली वाला एक एग्जाम्पल, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी दिया था, फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर में बताया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक कुली है, आप आते हैं किसी शहर से, नागपुर में आप उतरते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, अब आपके पास बहुत सारा लगेज है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा लगेज लेके आप कैसे आएंगे बाहर। अब यहाँ पे सामने आपको दिखता है एक लाल कपड़े पहन के 786 नंबर का, 786 नंबर का बिल्ला लगाया है उसने, बैच लगाया है, वो आता है व्यक्ति, आपको राम राम करता है, और वो जो भी आपका लगेज है वो उठाता है और आगे आगे चल लगता है। वो आगे आगे आ रहा है, आप भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं, वो बाहर आके, प्लेटफॉर्म के बाहर आके आपका जो सामान्य लगेज है वो उतार देता है और बोलता है साहब पैसे, पैसे मांग रहा है वो आपसे। अब आप उसको बोलते हैं अरे काहे के पैसे, पैसे की तो बात ही नहीं हुई थी, तो क्या ये वैलिड है? द आंसर इज नो, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते पैसे की बात नहीं हुई थी, मैंने तो तेरे को काम करने बोला ही नहीं। सो यहाँ पे भले ही ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, कंसिडरेशन डिसाइड नहीं हुआ, बट फिर भी ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट है? एक्चुअल में तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कवर होता क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। सो क्यों इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट में लाया है? ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, दूसरे व्यक्ति के नुकसान पे कोई फायदा ना कमा ले। हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे किसी बेचारे के नुकसान पे खुद का फायदा कमा ले, और इसीलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। नो वन इज एंटाइटल्ड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। दूसरे का नुकसान हो रहा है और आप फायदा कमा ले रहे, ऐसा नहीं चलेगा। एंड हेंस ये भी चीज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती लाई गई है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, तो कानून के द्वारा इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है जबरदस्ती। तो ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो इसमें कवर होती है, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखो, क्वासी का मतलब है सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं। दीज आर इम्प्लाइड, दीज आर फिक्शनल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट बट मेड कॉन्ट्रेक्चुअल बाय लॉ। तो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे पर इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया। ये ऐसे रिलेशंस क्रिएट कर देता है जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में हुआ करते हैं, सर्टन रिलेशंस रिसेम्बलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसीलिए इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है। ठीक है, ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। तो इसके वही पॉइंट्स आगे भी दिए हुए हैं, बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप वही देखेंगे कि किस बेसिस पे आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अपने माइक्स बंद रखें, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए लाया गया है ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। सो अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब आपको समझा के दिया गया है,
अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स नो मैन इज अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, दूसरे के नुकसान पे खुद का फायदा कमाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, और इसीलिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, तो इसीलिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आया है। जनरली आप देखोगे इसमें राइट टू मनी होता है, पैसा देने का राइट होता है, लेने का राइट होता है, और पैसा पे करने की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि कुली वाला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसमें कुली को पैसा देने की जिम्मेदारी है आपकी, और उसका अधिकार है कि वो पैसा क्लेम कर सकता है। फिर वैसे ही ये एग्रीमेंट के द्वारा अराइज नहीं होते, इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, इट इज राइट अगेंस्ट दी पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो इट क्रिएट्स अ राइट इन पर्सनम एंड नॉट अ राइट इन रेम। फिर डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इवन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो सेक्शन नंबर 68 से सेक्शन नंबर 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ, फाइव टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। एक एक करके हमको ये सबको देखना है। यहाँ पे हर केस में आप देखोगे एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट इनको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, दूसरे के नुकसान पे कोई व्यक्ति फायदा ना कमा ले। ठीक है, अगर गलती से एक चॉकलेट वेंडर आपके घर के सामने चॉकलेट रख देता है, आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको वो चॉकलेट वापस करना पड़ेगा, या फिर चॉकलेट कंज्यूम कर लिए तो उसका पैसा देना पड़ेगा। सो ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपने चॉकलेट कंज्यूम कर लिया, आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा देने से मना करेंगे तो ऐसे केस में अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा, उसका बेचारे का नुकसान हो गया और आपने फायदा कमा लिया, और इसीलिए ऐसे केसेस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 68 इन द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 वही है जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 68 आपको क्या बताता है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 68 जो अपन ने माइनर के केस में पढ़ा था, इफ एनी पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और एनी वन हुम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, तो माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों में मैंने ये बताया था आपको, इज सप्लाइड विथ नेसेसरीज, इज सप्लाइड बाय नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ। ठीक है, तो बाय अनदर पर्सन, जिसको नेसेसरीज प्रोवाइड की गई है, किसी एक व्यक्ति ने एक इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरीज प्रोवाइड किया है सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, सो दैट पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। ठीक है, तो जो भी इनकेपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात कुछ कुछ थी। पहली चीज थी, अगर आप इनकेपेबल पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि माइनर को, तो ये भी कवर होगा, ल्यूनेटिक को ये भी कवर होगा, या उनके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को, समझो ल्यूनेटिक की वाइफ है उसको आपने नेसेसरीज प्रोवाइड किया, उसके बच्चे हैं उसको उनको नेसेसरीज प्रोवाइड किया, तो ऐसे केसेस में आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली, नेसेसरी शुड बी सूटेड टू देयर कंडीशंस इन लाइफ, उनके लाइफ से रिलेटेड वो नेसेसरीज होना चाहिए, यानी उन पर्टिकुलर लोगों के लिए वो नेसेसरीज होना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी नेसेसरीज फॉर दोज पर्टिकुलर पर्सन, यानी अगर हमको एक नॉर्मल बच्चा छपड़ता है उसको खाना वाना खिलाते हैं तो ऐसे केसेस में उसके लिए वो नेसेसरीज है, लेकिन अगर हमको एक अमीर बच्चा छपड़ता है जो कि बोलता है मैं तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाऊंगा, तो उसको फिर वो नेसेसरीज मानी जाएगी उसके लिए। नेसेसरीज में क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा दारू, विद्या, तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब चीजें नेसेसरीज में कवर होती है। इट विल डिपेंड अपॉन द सोशियो कल्चरल स्टेटस ऑफ द पर्सन टू हुम द नेसेसरीज आर सप्लाइड। फिर तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे, इट कैन बी रियम्बर्स ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, जो व्यक्ति इनकेपेबल है उसकी प्रॉपर्टी में से आप क्लेम कर सकते हैं, एंड नॉट फ्रॉम दैट पर्सन पर्सनली, आप उसको पर्सनली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हैं। फिर राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन देयर इज अ राइट टू रिकवर द मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से ध्यान रखो, ये एग्जाम्पल बहुत काम का है। एक केस था जिसमें मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, मिस्टर ए लैंडलॉर्ड थे और मिस्टर बी जो थे ये टेनेंट थे, ये गरीब किसान था, ये एक फार्मर था। ये क्या करता है मिस्टर बी मिस्टर ए से एक जमीन लेके आता है किराए पे, तो लीज पे एक लैंड लेता है और रेगुलरली किराया देते रहता है, लीज रेंटल पे करता है। अब जैसा कि मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट के जो ड्यूज है, ये पे करने की जिम्मेदारी मिस्टर ए की होती है। गवर्नमेंट के ड्यूज ये पे नहीं करते हैं, इनको जो रेवेन्यूज भरना था, लैंड रेवेन्यूज यानी टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, तो ये भरने की जिम्मेदारी थी।
सो गवर्नमेंट को भरना चाहिए था बट इन्होंने नहीं भरा। अब जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के टैक्सेस नहीं भरता है तो इसको बार बार नोटिस भेजते हैं। गवर्नमेंट ने इनको नोटिस भेजना चालू किया कि मिस्टर ए आपके प्रॉपर्टी के ऊपर इतने टैक्सेस जमा हो गए, भर दो। वो इग्नोर करते जा रहे हैं। ऐसा बार बार हुआ, 5-6 साल हो गए और ये टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर ब्याज और बाकी भी पेनल्टीज वगैरह लगते जा रही है। ए को बार बार बोला जा रहा है पैसा भर दो भर दो, वो भर ही नहीं रहा, नोटिस का रिप्लाई भी नहीं करता है। यहाँ पे अब गवर्नमेंट आखिरी में नोटिस भेजती है कि मिस्टर ए अगर आप अब भी पैसा नहीं भरोगे तो हम आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जमीन है जो लीज पे दी गई है, ये हम नीलाम कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। तो नीलाम करके हम अपने जो ड्यूज है, हमारा जो टैक्स है, वो हम रिकवर कर लेंगे। अब यहाँ पे ए फिर भी इसको कुछ रिप्लाई नहीं भेजता। बी को ये चीज पता लगती है। बी को लगता है यार अगर ये जमीन चली गई तो मैं कैसे क्या अपना घर चलाऊंगा, क्योंकि मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ इस जमीन पे और उसी प्रकार से अपनी जीविका कमाता हूँ। अगर ये जमीन ही नहीं रहेगी, अगर ये ऑक्शन हो जाएगी, सेल कर दी जाएगी, तो मेरा भी अधिकार खत्म हो जाएगा और मैं अपना, और कोई तो काम आता नहीं है, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मैं अपना पेट कैसे भरूंगा। और इसीलिए मिस्टर बी जाते हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को पूछते हैं साहब कितना पैसा हुआ। गवर्नमेंट बोलती है अरे 1 करोड़ रुपए है। बेचारा गरीब किसान जाता है और जो भी पैसा अमाउंट, जो भी पैसा रहता है वो पूरा पैसा वो पे कर देता है। तो जो भी 1-2 करोड़ रुपए थे, बेचारा गरीब किसान कैसे तो भी जमा के पे कर देता है। अब मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर बी अब पहुंच जाते हैं ए के पास और ए को बोलते हैं मुझे पैसा दे दो, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे ये पूरा पेमेंट कर दिया हूं। मिस्टर ए हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते अरे मैं क्यों पैसा दूं, मैंने तुमको बोला था क्या? अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तो उल्टा मना कर देता था कि नहीं नहीं पैसा मत भरो, लेकिन तुमने अपनी इच्छा से भरा है, यहां मैं कैसे क्या आपको पेमेंट करूं, मैं कोई पेमेंट नहीं करता हूं। अब दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बी बोलता है पैसे दो पैसे दो, ए बोलता है नहीं दूंगा नहीं दूंगा, दो दो नहीं नहीं, दो दो नहीं नहीं, झगड़ रहे हैं दोनों। झगड़ते झगड़ते पहुंच जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट पूछता है क्या हुआ था, बताया जाता है, मिस्टर बी से पूछा जाता है क्या हुआ, तो मिस्टर बी बोलते हैं देखो साहब मैंने इनके बिहाफ पे पैसा पे करके आया था और ये मुझे अब पैसा नहीं दे रहे हैं। मिस्टर बी को पूछा जाता है तुमने क्यों पेमेंट किया था, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुमने पेमेंट कर दिया, तो वो बोलता है साहब बहुत जरूरी हो गया था, मैंने खुद का हित बचाने के लिए किया हूं, टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, मैंने ये खुद का हित बचाने के लिए किया हूं, क्योंकि अगर ये जमीन ही बिक जाती तो फिर मेरी लीज खत्म हो जाती और मैं कैसे काम करता, तो मैंने इनके लिए नहीं किया हूं, मैंने तो ये खुद का हित बचाने के लिए किया हूं, तो टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। फिर बोले तुमने अपनी इच्छा से किए हो क्या, वो बोलता है नहीं साहब मैं काय को अपनी इच्छा से करूंगा, इच्छा से करना होता तो मैं तो 4-5 साल पहले ही पेमेंट कर देता था, लेकिन ये तो अब जरूरी हो गया था, जबरदस्ती मेरे को करना पड़ा। तो ये प्रूव करते हैं कि इट वॉज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट। यहाँ पे नॉट वॉलेंट्री का मतलब ध्यान रखो, नॉट वॉलेंट्री का मतलब है कि यहाँ पे जो पेमेंट है उसने गया तो खुद ही था बट ये अपनी इच्छा से नहीं किया, उसको जबरदस्ती करना पड़ा। ठीक है, नॉट वॉलेंट्री यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते सर वो तो खुद ही गया ना, तो नहीं वैसी बात नहीं हो रही। यहाँ पे नॉट वॉलेंट्री का मतलब है खुद गया बट उसको जाना पड़ा, क्योंकि अभी भी नहीं जाता तो उसकी जमीन बिक जाती थी, सो इट शुड नॉट बी अ वॉलेंट्री पेमेंट। तीसरी चीज वो प्रूव करता है कि अदर पार्टी वॉज लायबल, यानी मिस्टर ए की जिम्मेदारी थी, ही वॉज द ओनर, उसकी जिम्मेदारी थी पेमेंट करना चाहिए। और चौथी चीज गुड फेथ में उसने पेमेंट किया है, मीन्स उसकी कोई गलत चीज करने की इच्छा नहीं थी। सो ऐसे केसेस में अगर वो ये 4 पॉइंट प्रूव कर देता है तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि मिस्टर बी कैन क्लेम दी अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए, तो यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, सो ये कंडीशंस आपको याद रखना है, कंडीशंस आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखो ये भी क्यों बनाया गया है, ताकि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो। अगर यहाँ पे मिस्टर बी को पैसा ना मिले और मिस्टर ए को बोला जाए तुमको पैसा नहीं पे करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मिस्टर ए का फायदा और मिस्टर बी का नुकसान। और यही चीज तो हमको रोकना है, अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के नुकसान पे खुद का फायदा कमा ले, और इसीलिए इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया। इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, कुछ भी चीज नहीं होने के बावजूद भी इसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रिश्ते निर्माण हो जाते हैं एज एप्लीकेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, इट क्रिएट्स सर्टन रिलेशंस रिसेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये अगला जो पॉइंट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो है राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। यू विल हैव टू
राइट द कंडीशंस, कंडीशंस लिखना पड़ेगा आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. कंडीशंस वही है, पेमेंट शुड बी बोनाफाइड यानी गुड फेथ एंड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट. तो चार पॉइंट मैंने बताया, यहाँ तीन ही पॉइंट है क्योंकि ये दोनों जुड़ गए. बोनाफाइड, प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट, शुड नॉट बी अ वॉलेंट्री वन, एंड अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे. तो इस प्रकार से ये चार पॉइंट्स अगर पूरे होते हैं तो यहाँ पे रिकवरी की जा सकती है. थर्ड पॉइंट है ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. यहाँ पे आप कुली वाला एग्जाम्पल रख सकते हैं याद. कुली वाले एग्जाम्पल में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट वर्ड नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. नॉन ग्रेटिशियस का मतलब होता है इन्होंने फॉर मनी, पैसे के लिए ये कार्य किया है. इफ इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट तो ऐसे केसेस में रिकवरी की जा सकती है. कुली जो काम करता है ये पैसे के लिए करता है. ध्यान से सुनो एग्जाम्पल, कुली वाले एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें आप पैसा रिकवर कर सकते थे क्योंकि कुली ने सर्विस दिया और आपने सर्विस एक्सेप्ट कर लिया है. भले ही बाय वर्ड्स कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे हमने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बट यहाँ ध्यान ये रखने वाली बात है, वो लाल कपड़े क्यों पहना था मेरे एग्जाम्पल में, उसके यहाँ पे बैच क्यों लगा था, क्योंकि हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो कुली है. अगर यहीं पे समझो आप जाते हैं अपने कोई रिलेटिव को पिकअप करने फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आपके कोई चाचा जी आ रहे हैं, आप जाते हैं उनको रेलवे स्टेशन से पिकअप करने, अब यहाँ पे आप पूरा लगेज उठा के लेके आते हैं, तो क्या आप उनसे पैसे मांग सकते हैं कि चाचा जी पैसे दे दो, मैंने पूरा लगेज उठा के लाया. द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज अ ग्रेटिशियस एक्ट. यहाँ आप ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं. सो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन ग्रेटिशियस होना चाहिए. इफ इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट तभी आप रिकवरी कर सकते हैं, अगर ये ग्रेटिशियस एक्ट है तो आप रिकवरी नहीं कर सकते. सो नॉन ग्रेटिशियस का मतलब होता है जहां पे इट इज फॉर मनी, वो पैसे के लिए वो काम करता है. क्या आप रोज रोज ऐसे सामान उठा के लेके जाते हैं फॉर दी कंसिडरेशन फॉर मनी, तो नहीं, आप ये काम रोज नहीं करते. सो इट इज अ ग्रेटिशियस एक्ट. सो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होगा तभी क्लेम किया जा सकता है. इसीलिए ध्यान रखो, मैंने चॉकलेट वाले एग्जाम्पल में भी ऐसा क्यों बताया कि जो चॉकलेट वेंडर है वो चॉकलेट बेचने वाला है, क्योंकि अगर वो चॉकलेट बेचने वाला है तब आप क्लेम कर तब वो क्लेम कर सकता है, बिकॉज ही इज डूइंग इट फॉर मनी. ठीक है, तो वो कर रहा है फॉर पैसा, मनी. सो इट इज अ ग्रेटिशियस, इट इज अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. इट शुड बी अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. वही पॉइंट्स आपको आगे दिए हुए हैं. दस इट फॉलोज कि क्या क्या चीजें प्रूव होना चाहिए. पहला कि कोई भी चीज की गई है लॉफुली, लॉफुल एक्ट था. It was not done gratuitously and the other person enjoyed the benefit. अगर other person ने benefit enjoy नहीं किया है तो simple वो चीज वापस कर देगा. अगर आगे वाले व्यक्ति ने chocolate consume नहीं किया है तो simply he will return the chocolates. और अगर उसने chocolate consume कर लिया है तो he will have to pay for them. फिर चौथा प्रकार का जो quasi contract आता है, that is responsibility of finder of goods. जब किसी को goods प्राप्त होते हैं, goods छपड़ते हैं कहीं पे, तो उसका काम क्या होता है. समझो आपको 5 लाख रुपए छपड़ गए, तो आपका क्या काम है, क्या आप उसको रख लेंगे. द आंसर इज नो, आप उसको रखेंगे नहीं. आपकी जिम्मेदारी है वो 5 लाख रुपए जिसके भी हैं उसको लौटा दो. आपको 9 लाख हार छपड़ा, तो वो हार क्या आप रख लोगे अपने पास, तो नहीं. यहाँ पे भी आपकी जिम्मेदारी है जिसका वो हार है उसको वो पहुंचा दो. आपको जो भी चीज प्राप्त होती है, अगर कोई भी चीज आपको मिल जाती है जो आपकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी होती है आपने वो चीज वापस करनी चाहिए. आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उसको रख नहीं सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते. You are liable to find the true owner and return the product to that owner. समझो आपको यहाँ पे नागपुर में जमीन पे पड़े हुए एक 9 लाख का हार मिल गया, आपने वो उठा लिया. आपका काम है पहले तो पूछना, अरे भाई किसका है, आप पूछोगे. कोई मिल गया तो उसको दे दोगे. अगर कोई मिला नहीं तो आप देखोगे किसका है, उसमें कुछ लिखा है क्या. समझो आपको उसमें चिट्ठी दिख गई, उसमें ओनर का नाम लिखा हुआ है कि ये हार इसको बिलोंग करता है, उसका बिल वगैरह लगा हुआ है उसमें. अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये उसको पहुंचा के दो. ठीक है, आप समझो पहुंचा के आ रहे हैं उसको, पहुंचाने का खर्चा आ रहा है आपको, वहां तक जाने का. समझो मुंबई में रहता है वो, मुंबई तक जाना, वहां पे रहना और उसको पहुंचा के आना, इसका कुछ खर्चा आ रहा है. यू कैन क्लेम द अमाउंट. यहाँ पे आप एज अ बेली जिम्मेदार होते हैं. बेली का मतलब होता है जिसको गुड्स प्राप्त हुए बट ही इज नॉट द ओनर. ठीक है, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो व्यक्ति को गुड्स मिलते हैं उसको हम बेली बोलते हैं. जिसके गुड्स होते हैं वो बेलर कहलाता है. यहाँ भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है जैसे कि एक बेलर और बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपको जब चीज प्राप्त हुई थी तो आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप उसके ट्रू ओनर को ढूंढो. ये आपकी पहली जिम्मेदारी है. द पर्सन इज लायबल टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर. दूसरी जिम्मेदारी है आपको उसका ड्यू केयर लेना है. जब तक कि आपको ट्रू ओनर नहीं मिलता आप उसको संभाल के रखोगे ऐसा जैसे कि वो खुद की प्रॉपर्टी है, बट आप उसको यूज नहीं कर सकते. आप यूज करने का अधिकार नहीं रखते, सिर्फ उसको संभाल के रखना है.
फिर अगर आप पहुंचाते हैं और आगे वाला बोलता है मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, पहुंचाने का जो खर्चा आ रहा है वो मैं आपको नहीं पे करूंगा, तो ऐसे केसेस में अगर वो खर्चा नहीं पे कर रहा है तो आप लीन रख सकते हैं इस पे। लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। आप बोल दोगे कि साहब आप पैसे नहीं दे रहे तो मैं ये गुड्स आपको वापस नहीं करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज लीन, राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल पेड कॉम्पेंसेशन। जब तक आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता तब तक आप उस गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऊपर रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब है पहुंचाने का खर्चा। दूसरा एक और अमाउंट इस पे रिकवर हो सकता है, रिवॉर्ड। अगर बोला गया है, आगे वाले ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है, तो ये भी रिकवर किया जा सकता है। दोनों ही केसेस में आपको अलग अलग अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर वो कंपेंसेशन नहीं दे रहा है तो आपको मिलेगा लीन, लीन ऑन द प्रॉपर्टी। लीन का मतलब है आप प्रॉपर्टी अपने पास रखोगे जब तक पैसा नहीं मिलता। लेकिन आप सूट फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते कॉम्पेंसेशन के लिए। वहीं अगर उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया था कि मेरा 9 लाख हार घूम गया है, जिसको भी मिलेगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा इनाम के रूप में, ये इनाम अगर वो नहीं दे रहा है तो आप इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको लीन नहीं मिलता, रिवॉर्ड के लिए लीन नहीं मिलता। सो दोनों अलग अलग चीज है। कॉम्पेंसेशन के लिए आपको लीन मिलता है बट आप सूट फाइल नहीं कर सकते, वही रिवॉर्ड के लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं बट आपको लीन नहीं मिलता। ठीक है, सो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर कभी कभी आप इस चीज को बेच भी सकते हैं। बेचने का अधिकार तब होता है जब ये पेरिशेबल नेचर के हैं। जैसे आपको आपके घर के सामने एक दूध वाला आता है, वो दूध के डबके में पानी मिलाता है और लेके चला जाता है। एक दिन आपने देखा वो पानी मिला रहा था और गलती से वो डबकी वहीं पे भूल के चला गया। आपने वो डबकी उठा के घर पे ला लिए। अब आपने वो दूध बेच डाला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कल तक के रखोगे उसको वापस करने के लिए तो खराब हो जाएगा, इट इज पेरिशेबल इन नेचर, तो आप इसको बेच सकते हैं। आपने बेच डाला तो पैसा किसका होगा? पैसा ऑफ कोर्स होगा ओनर का, तो जो दूध वाला है उसको बेच के पैसा देना पड़ेगा। हाँ, और आपका कुछ खर्चा हुआ है तो उतना खर्चा आप जरूर रिकवर कर सकते हैं। फिर दूसरा केस जब आप उसको बेच सकते हैं, वेन द कॉम्पेंसेशन अमाउंट, जो आपको पैसा मिलने वाला है पहुंचाने का जो खर्चा है, ये अगर 2/3 इन वैल्यू के ऊपर जा रहा है। समझो आपको 8,000 की चीज मिली, पहुंचाने का खर्चा ही 6,000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। सो दो केसेस में आपको राइट टू रीसेल मिलता है। पहली चीज, आप अगर पेरिशेबल गुड्स प्राप्त करते हैं तो वैसे केस में आप बेच सकते हैं उसको। दूसरी चीज, जब पेरिशेबल तो नहीं है बट उसको पहुंचाने का खर्चा 2/3 इन वैल्यू के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में आप उसको बेच सकते हैं। और एक और रूल है, इंपॉर्टेंट रूल, फाइंडर इज एंटाइटल टू पोजेशन एक्सेप्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो फाइंडर को अधिकार है कि वो पूरे गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता। इस पे एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था, केस बता देता हूँ, एग्जाम में आने की संभावना है। हॉलिन वर्सेस होलर। मिस्टर एच होते हैं जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमते रहते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए। उनको जमीन पे एक डायमंड रिंग मिलती है। डायमंड रिंग उठाते हैं, पूछते हैं भाई किसकी है किसकी है, कोई दिखता नहीं, कोई बोलता नहीं उसकी है। ये जाते हैं दुकानदार के पास, डिपार्टमेंटल स्टोर के जो मैनेजर होते हैं उनके पास, उनके पास ले जाके डायमंड रिंग रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं देख के आता हूँ, कोई मिल जाए तो मैं उसको ये रिंग दे दूंगा, आप तब तक इसको संभाल के रखो। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के कैशियर को या मैनेजर को रिंग रख के आ गए। एक दो दिन ढूंढते हैं, वो कोई मिलता नहीं है, बाहर भी देखा बाहर भी नहीं मिला, थोड़ा पता किया कुछ पता नहीं लगा किसकी रिंग है। 2-3 दिन के बाद वो वापस आते हैं और बोलते हैं कि साहब वो रिंग आप मुझे वापस दे दो। डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को बोलते हैं वो रिंग मुझे वापस दे दो। डिपार्टमेंटल स्टोर वाला बोलता है मिल गया ट्रू ओनर। वो बोलते हैं नहीं जी कोई नहीं मिला। तो बोले फिर काहे को रिंग होना तुमको, रिंग रहने दो, मेरी रिंग है मेरे पास रहेगी, मेरे दुकान में मिली है। अब यहाँ पे मिस्टर एज बोलते हैं नहीं नहीं आपकी दुकान में मिली बट मिली तो मुझे है ना, तो मेरे को रखना चाहिए, मेरे को अधिकार है इसमें, तो ट्रू ओनर लेगा नहीं तो मैं लूंगा। सो यहाँ पे अब सवाल ये आया किसको गुड्स रखने का अधिकार है। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला गुड्स रखने का अधिकार है ओनली टू द फाइंडर। फाइंडर कौन है? मिस्टर एच। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर ये गुड्स नहीं रख सकता। सो ओनर का अधिकार है, पहला अधिकार तो ट्रू ओनर का है। अगर ट्रू ओनर नहीं है तो फिर ये पोजेशन रखेगा जिसको चीज मिली थी वो। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को गुड्स वापस करना पड़ेगा, उसके बदले जो भी कस्टडी चार्जेस हैं उसको संभाल के रखने का कुछ खर्चा अगर आया होगा तो वो कस्टडी चार्जेस जरूर रिकवर किया जा सकता है। तो ये होलिन वर्सेस होलर का एक केस है। फिर लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक और अंडर कोर्शन।
ये दोनों ही जो पॉइंट है, मिस्टेक और कोर्शन, वैसे ही आपने पढ़ चुके हो इन चैप्टर नंबर 5, जहां पे हमने देखा था अगर मिस्टेक या कोर्शन होता है तो उसमें कोर्शन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और मिस्टेक में बहुत सारे अलग अलग इंपैक्ट होते हैं। बट यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो वहां पे हमने पढ़ा था कंसेंट इज कॉज बाय कोर्शन, यहाँ पे कंसेंट इज नॉट कॉज बाय कोर्शन, यहाँ पे थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोर्शन। तो गलती से चीज दे दिया या जबरदस्ती किसी ने चीज मांगा, छीन लिया और आपको देना पड़ा, क्या आप ऐसे केस में वो चीज वापस ले सकते हैं? द आंसर इज येस। सो यहाँ पे कौन कौन से केस कवर होते हैं? यहाँ पे केस कवर होता है एक जिसमें ए और बी जाते हैं, दोनों जन जाके सी से 100 रुपया लेके आते हैं उधारी। ए कुछ टाइम बाद जाके 100 रुपया इसको वापस कर देते हैं, बी को कुछ पता नहीं होता, बी फिर से जाके 100 रुपया वापस कर देते हैं। अब अल्टीमेटली सी को कितना रुपया मिल गया? 200 रुपया। मिलना चाहिए था 100 रुपया, क्योंकि उसने दिया था सिर्फ 100 रुपया, तो उसको मिलना चाहिए था 100 रुपया, लेकिन उसको प्राप्त हो गया 200 रुपया। यहाँ पे सी की जिम्मेदारी है कि वो 100 रुपया वापस कर दे, ठीक है, और यहाँ पे ए और बी के अधिकार हैं कि वो 100 से 80 रुपया वापस ले सके, ठीक है, तो सी से 100 रुपया वापस लिया जाएगा। एग्जाम्पल्स वही दिया है, पहला ये है। दूसरा है, रेलवे कंपनी अगर गुड्स ले जाने से मना करती है, केस हुआ था जिसमें एक रेलवे कंपनी होती है। रेलवे कंपनी में होता क्या है, जैसे आपने समझो कुछ गुड्स भेजे, तो आप क्या करते हैं, रेलवे की एक रिसिट होती है, वो रिसिट दे देते हैं जिसको गुड्स भेज रहे हैं। जैसे आप अगर पुणे में हैं तो पुणे से आपने समझो एक गाड़ी भेजा, तो वो गाड़ी आप ट्रेन वालों को दे दोगे, रेलवे को दे दोगे, और रेलवे क्या करेगी, आपको एक रिसिट देगी, वो रिसिट आप पोस्ट से भेज देते हैं नागपुर में। नागपुर में रेलवे के ऑफिस में जाके ये गुड्स रखे होते हैं, गाड़ी रखी होती है। अब इसको गुड्स चाहिए, तो ये चला जाएगा अब रेलवे के ऑफिस और जाके क्लेम कर सकता है कि मुझे गुड्स दे दो, मेरे पास ये चिट्ठी है, पूरा पेमेंट वगैरह किया गया है। अब अगर रेलवे का अधिकारी पेमेंट करने के बावजूद गुड्स नहीं ले जाने देता है और बोलता है देखो साहब आपको गुड्स ले जाना है तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, अब जबरदस्ती यहाँ पे 5,000 रुपये देना पड़ा हमको, क्योंकि हमको गुड्स ही नहीं मिल रहे थे, हमको जरूरत थी लेकिन मिल नहीं रहे थे, तो जबरदस्ती पैसा देना पड़ा, तो क्या यहाँ पे ये पैसा वापस लिया जा सकता है? द आंसर इज यस। ये है थिंग डिलीवर्ड और मनी पेड बाय कोर्शन। यहाँ पे ध्यान रखो कंसेंट इज नॉट कॉज बाय कोर्शन, यहाँ पे थिंग डिलीवर्ड और मनी पेड बाय कोर्शन और बाय मिस्टेक। तो गलती से अगर पैसा दे दिया है जैसा कि पहले वाले केस में हुआ था, या फिर जबरदस्ती पैसा देना पड़ा है जैसा कि दूसरे वाले केस में हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप वो पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट यहाँ पे भी अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा। अगर आपको पैसा वापस न मिले और आगे वाला पैसा रख ले, तो ऐसे केसेस में आगे वाले ने आपके नुकसान पे खुद का फायदा कमा लिया, तो ऐसे केसेस में अगेन इट विल बी कवर्ड अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपका ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट्स होंगे आपके तो आप पूछ लो, और अगर कुछ बड़े डाउट्स होंगे जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है आपको कहीं पे थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़े वीडियोस देखने की, तो आप उसके लिए सिर्फ कंटिंजेंट का उतना हिस्सा देखने के लिए आप पूरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। सिर्फ आप शुरू का अगर देख लोगे तो आपको पूरा समझ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी मैंने पूरा 100% आपको समझाया हूँ, चांसेस कम है कि आपको नहीं समझा होगा, तो 100% कवर होगा जैसा कि मैंने वादा किया था। आप क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, तो वादे के हिसाब से 100% कवरिंग हो रही है और बिल्कुल वैसा पढ़ रहे हैं हम जैसा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम ऐसा बता रहा हूँ कि रिविजन टाइप है, पूरा 100% है, और सिर्फ फर्क यह है कि मैं आपको हर चीज रीड करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम इसको एक एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और विद इन 30 डेज अपन इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट पॉसिबल कि अपन इस पे और ज्यादा रीडिंग वगैरह करते बैठे। फिर भी मैं आपको पूरे डायग्राम्स वगैरह जरूर बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी पूरा आपका जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाता है विद इन 1 आवर, 1 घंटे में, और 30 आवर्स में आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जैसा कि वादा किया हूँ, अगर आप ये बैच कर लेते हैं तो पासिंग मार्क पक्के हो जाएंगे आपके, सो वो वादा भी पूरा होगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन अगली क्लास में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चर्चा चालू करेंगे। और घर जाके पढ़ लो, पढ़ने के अलावा आपको रीड तो करना ही है पूरा 100%, इसके अलावा आपको जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स भी देखते जाना है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लिख के भी देखेंगे, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहां तक हम कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है ये देख रहे थे, अगले क्लास में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो कोई डाउट लग नहीं रहा है, इतने देर से किसी ने ना हैंड रेस किया ना क्वेश्चन आया, तो ठीक है, तो अपन क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर हाँ, एक
हैंड रेज हुआ है संस्कार का, बोलो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो। पेज नंबर 94, 95, हाँ 95। ये वैसे मैंने आपको बताया नहीं था, यहां पे नहीं बताया, बट एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ जनरली। ये बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन आगे भी दिखेगा आपको, दो जगह दिखता है, एक कमल वाला क्वेश्चन है। तो चलो ये मैं बता देता हूँ, इनका क्वेश्चन है पेज नंबर 95 पे, क्वेश्चन नंबर 15 का ए पॉइंट। ए पॉइंट में क्या बोला गया है, कमला प्रॉमिस करती है रमेश को कि मैं 5 लाख रुपए तुमको दूंगी, किस चीज के लिए? दैट रमेश गेट्स कमलाज मैरिज डिसॉल्व, कि मेरा जो शादी है वो शादी खत्म कर दो, मेरे को डाइवर्स दिला दो, खत्म कर दो, एंड फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। सो ऐसे केसेस में क्या ये वैलिड होगा या वॉइड होगा? इट इज वॉइड, क्योंकि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, ये वॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, किसी का शादी वगैरह के बीच में आना, मैरिशल ड्यूटीज के बीच में आना, तोड़ देना उसको, ये गलत है। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो कि इंटरफेयरिंग विद द मैरिशल ड्यूटीज आती है, तो वो चीज को खत्म करना, सो ये वॉइड होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, हाँ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कवर होगा। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक दिन में शायद पूरा ना हो, या फिर थोड़ा सा अपना टाइम अपन एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जैसे 15-20 मिनट अपने को एक्सटेंड करना पड़ सकता है, तो अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो अपन थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करेंगे, और अगर नहीं लग रहा है, ज्यादा टाइम बच रहा है, तो अपन अगली क्लास पे उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो लगभग 1.5 क्लास लगेगी अगले चैप्टर को, बाकी सब चैप्टर्स में 1 क्लास में कवर हो जाता है, बट इन द नेक्स्ट चैप्टर और इसके बाद वाले चैप्टर को इसमें 1.5 और 2 क्लास लगने वाली है। ठीक है, उस हिसाब से ही अपना जो टोटल टॉपिक है, ये टोटल टॉपिक अपना निकल के आता है 30 आवर्स का। ठीक है, इनफैक्ट एग्जैक्ट 30 आवर्स नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जैसे डाउट्स रहते हैं कुछ रहता है, बट फिर भी आपको लगभग 30 आवर्स के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको ही आपको लगभग 12 आवर्स लगते हैं, तो अपना अभी अपन ने 7 घंटे ऑलरेडी दे चुके हैं इसमें, 7 से थोड़ा ज्यादा हो गया इनफैक्ट, क्योंकि कुछ लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा भी थे, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा के। तो 8th वाला और 9th वाला जो चैप्टर है, ये भी अपन थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा, तो ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।